तो छोटे छोटे ग्रुप्स का इंडिया मेंबर बनने लगा। और इस मेंबर अच्छा ओवरऑल काम क्या है, बैलेंसिंग पावर चल रहा है, चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका और इंडिया काम कर रहे हैं। तो इस काम में इंडिया अब बच नहीं रहा बल्कि सामने आना शुरू हो गया है, एनर्जेटिक हो गई है फॉरेन पॉलिसी। हमने मान लिया कि अगर आप हमको अनैतिक मानते हो तो मानते रहो, समझ में आया। अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके विषय में सोचना। अगर दुनिया में दादागिरी दिखाना है तो हां हम दादागिरी दिखा रहे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? उदाहरण के लिए आप और आपने एक पार्टनरशिप से कोई एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में इन्होंने डिमांड करी कि आओ एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि तू मेरी बहन नहीं है क्या, लिखित समझौता क्यों करना है कि नहीं? तो इनका कहना था इसलिए करना है ताकि दोनों के इंटरेस्ट सुरक्षित रहे, और आपके इंटरेस्ट को तो आप जानो, मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना मेरा राइट है कि नहीं, राइट है ना। अगर उस राइट को यूज करते समय सामने वाला आपको एक तरह से माने कि ये निर्लज व्यक्ति है, खुले खुले पैसों की बातें करता है, तो हां हम निर्लज व्यक्ति हैं, बेवकूफ से अच्छा निर्लज होना होता है। बात समझे कि नहीं? मतलब हम ये स्कोप आपको दे ही क्यों कि आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर ले। हम धोखाधड़ी के स्कोप्स को पहले ही कंट्रोल करके चले ना, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन आप हमको नुकसान पहुंचा दो और हम ये आशंका होते हुए भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सुरक्षित ना करें, तो फिर तो रेगुलरली जिंदगी में सीखते ही जाएंगे, कभी सीखने की प्रक्रिया एंड नहीं होगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंडिया अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना के और यूएसए के साथ में एक ग्रुप बनाता है क्वाड, और चीन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि ये गुटबाजी है, तो हम कहते हैं जी गुटबाजी है, आपसे हमें प्रोटेक्ट होने का राइट है कि नहीं, आपकी गतिविधियों से हमें बचाव होने का अधिकार है कि नहीं है। और वो भी कौन सा देश है, चाइना, जो किसी का सगा नहीं है, जिसका कोई परमानेंट फ्रेंड है ही नहीं, जो इंडिया के साथ हिंदी चीनी भाई भाई करता हुआ अरुणाचल के अंदर घुस गया। अभी उस समय पंडित नेहरू ने सोचा कि भाई नैतिकता को ना छोड़ा जाए तो इंडिया को लॉस हुआ। करंट सरकार ये मानती है कि लॉस से बचने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो नैतिक है। हम किसी को लॉस ना पहुंचाए, लेकिन कोई दूसरा हमको लॉस पहुंचाने की कंडीशन में आ जाए तो ये आपका वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में तारतम्य नहीं दिखाता, है ना। मैंने आपको जो लाइफ का एग्जाम्पल लेके दिया, तो अगर मुझे बताइए कि कोई अगर किसी के साथ में एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट में चाहता है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, ओपन अप रहे, हर चीज लिख लेते हैं, आओ बड़ा कोर्ट के अंदर इसको पूरा जस्टिफाई कर लेते हैं, तो उसकी ये डिमांड गलत थोड़ी है। उसकी ये डिमांड खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी है, और फिर वो भी तब जब अगला आदमी आप पर विश्वास में थोड़ा सा डगमगा रहा है। आप मुझ पर विश्वास रखो, ये कोई कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाकर थोड़ी करवाया जा सकता है। मेरी गतिविधियां ऐसी हो कि आप मुझ पर विश्वास रखो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना एक एग्रीमेंट पर आ जाओ। ठीक वैसे ही कि हमें अगर चीन पर विश्वास नहीं है, ये क्या अघोषित बात है, हमें खुली बात है कि चीन पर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए अगर हम जितने भी रीजनल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो अपनी संप्रभुता को बचाए रखते हुए कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई बार कुछ लोग अगर कुछ बातें करते हैं तो उन बातों को सुनकर कुछ लोग अपनी बातों को कहने से रुक जाते हैं, उनको लगता है हेजिटेट हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों को बड़े ओपन अप तरीके से कर लेते हैं। जो ओपन अप तरीके से कर लेते हैं हो सकता है वो किसी एग्रीमेंट पर ना पहुंच पाए, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बनते। और जो खुले खुले तरीके से बात नहीं कर पाते वो हो सकता है कि या तो बेवकूफ बना दे या बेवकूफ बन जाए। इक्विटेबल एंड जस्टिसेबल काम नहीं हो पाता, पर्सनल लाइफ में भी आपने नोटिस किया होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का साफ साफ कहना है कि इंडिया धोखा खा ले, अब इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ना पहले कर सकता था लेकिन हमने किया। तो अब बात यह है कि अगर रीजनलिज्म आप उसको अलाइनमेंट कह दो, आप उसको कुछ भी कह दो, इंडिया का राइट है कि इंडिया अपने हर तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि आप किसी ट्रेन का टिकट लेते हो तो टिकट वो पैसे देने के बाद टिकट ना दे दो और आपको कहे कि अरे मैं हूं ना, तो आप ये तो कहोगे कि आप हो ना इसलिए तो टिकट चाहिए, कोई और होता तो विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, आप हो इसलिए टिकट चाहिए, समझ में आया ना। मुझ पर विश्वास रखो, टिकट देने से विश्वास कम थोड़ी हो जाता है, दे दो। मेरी बात समझे? आप इस कोचिंग में गए वहां पीछे, उनको फीस दी,
उन्होंने आपको मान लो कोई जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। अगर आप देखिए एक क्या होता है, आप खुद ही कहते हो कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लो उन्होंने आपको रसीद नहीं दी, आपने कहा रसीद दो, तो वो आपको बोले जी विश्वास रखो, और आप बोलो जी विश्वास रखो तो ठीक है रख लेंगे, लेकिन फीस तो दे दो। रसीद देने से विश्वास कम थोड़ी ना हो जाता है, बल्कि बढ़ता है। मेरी बात समझे कि नहीं? आपने इनको 10,000 रुपीज का पेमेंट किया ऑनलाइन, और इन्होंने वापस रिप्लाई किया कि हाँ रिसीव 10,000 रुपीज, इससे विश्वास बढ़ेगा। ये अगर आपसे चाहे कि इसको जरा एक्नॉलेज करो कि 10,000 रुपीज मिल गए हैं, और ये मना करें कि विश्वास नहीं है, तो भैया लिख देने से विश्वास कम हो जाता है क्या? लिख दो 10,000 रुपीज रिसीव्ड, वेयर इज द प्रॉब्लम, क्या हुआ? अरे वो छोड़ा यार प्लीज, ठीक है। मतलब मैं जो उदाहरण देता हूँ आप उसको लिटरल लेके में पकड़ लेते हो। अच्छा मेरे साथ भी एक है, मैं इससे रूट निकल ही नहीं पाता हूँ, ज्यादातर उदाहरण यही के दे देता हूँ, ठीक है ना। मान लो एक्स ने वाई को, ठीक है, लेकिन अच्छा आपके केस में और इनके केस में डिफरेंस हो सकता है कि आप लोग तो जीवन यापन यही कर रहे हो, कई लोग सुबह नाश्ता लंच डिनर यहाँ लेकर आते हैं, और पढ़ने के हिसाब से नहीं आते, जैसे कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हो। रात को 7-8 बजे मुझे एक लड़का मिला कल, तो मेरे मुझसे यही निकला, मैंने कहा होगी ड्यूटी पूरी, बोले सर वो क्लास, मैंने क्लास अभी तक चल रही है 8 बजे तक, यहां से नीचे उतर रहा सारे ताले लगवा लोगों के। तो ऐसी कौन सी याद, पढ़ाई करने वाले ऐसे करते हैं? पढ़ाई करने वाले दिखते नहीं लोगों को, पढ़ाई करने वाले वो होते हैं जो इधर क्लास हुई 2-4 मिनट आपस में दोस्तों ने बात की, भाग ली अपने घर। मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि यहां इस लाइब्रेरी के अंदर बैठकर बहुत ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट तरीके से पढ़ाई मुश्किल से कर पाते हो यहां, क्या कहीं पे भी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरीज कब यूटिलाइजेशन वाली अच्छी होती, जो जैसे मान लो रात को दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे गर्मी में मर रहे हैं, किसी के घर में कमरे में रूम में थोड़ी एसी लगे होते हैं लोगों के, कूलर के अंदर उनको गर्मी लग रही है, लाइब्रेरी के अंदर चिल्ड एटमोसफेयर है जाके पढ़ लो, तो समझ में आता है कि आपको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और आपने कितने लोग लाइब्रेरी के रेगुलर वो है, जहां रेगुलर उठना बैठना है, लाइब्रेरी की सीटें चिल्लाने लग जाती है किधर किधर है ना तेरा रास्ता इधर है। ये नितेश आप पढ़ते हो, मुझे जरा गंभीरता से बताना कि क्या जो कॉन्सेंट्रेट तरीके से आपके रूम के अंदर आपने टेबल चेयर लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई ज्यादा फ्रूटफुल होती है, या 10 लोग आपको देख रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है आपकी ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ कोई आया आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है ना, कोई किसी उत्सव के लिए चंदा लेने आ गया जोर जोर से नीचे से चिल्ला रहा है, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ कई बार ऐसा होता है कि घर में एटमोसफियर थोड़ा सा और किसी ना किसी कारण से डिस्टर्बिंग हो जा हुआ होता है, जैसे कि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, है ना, जो घोस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, तो तब समझ में आता है कि आप किसी ऐसे प्लेस पे चले जाओ जहां कंपैरेटिवली कम नुकसान हो, जहां नुकसान तो हो लेकिन कंपैरेटिवली कम नुकसान हो। सेल्फ स्टडी, अब ये जो लड़के सेलेक्ट होते ना, क्या कभी आपने सुना क्या कि ये रेगुलर चाय की दुकान पर चाय पीता था आज सेलेक्ट हो गया? वो लोग इतना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं कि अगर वो किसी दोस्त से भी मिलते हैं ना तो अपने रूम पे नहीं बुलाते ना, उसके रूम पे जाते हैं, कहते हैं कि फला चाय की दुकान पे आ जाना, बत्रा पे आ जाना, क्योंकि वहां से भागना अपने हाथ में है, कोई अपने घर में घुसा हुआ है उसको निकालना मुश्किल है ना। मान लो आपने अपने दोस्त को बोला आ जा चाय पी ले, वो चाय तो पी रहा है साथ साथ में ये भी बता रहा है वो भी बता रहा है, अरे ज्योग्राफी वाले ऐसे, PSIR वाले ऐसे, मैनेजमेंट ऐसा, फलाने ऐसे, सबकी बातें कर रहे हो, 3 बज गए, समझ गए? चाय की दुकान पर आपके हाथ में ना निकलना वहां से कि चलो चाय पी दोनों ने, अपने अपने पैसे दो और निकलो। क्लियर? ये वो लोग होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हुए लोगों को दिखते नहीं है, मकान मालिक से महीने में एक बार जाकर मिलते हैं, जी अंकल जी पैसा बस निकल आ गए। मकान मालिक अगर ज्यादा बातें करता ना, पानी चला दिया, नल चला दिया, कमरा छोड़ देते हो कि अरे तो रोज की टेंशन है, पानी नल थोड़ी देखूंगा मैं, दूसरी जगह ले लेते। ये स्टूडेंट होते हैं जो किसी की नजर में ही नहीं होते, सेलेक्ट होने के बाद उनकी सफलता शोर मचाती, वो पहले शोर नहीं मचाते। पढ़ना हो तो सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई चीज नहीं है। ग्रुप मैक्सिमम 2 लोगों का हो, 5-7 लोगों का जब ग्रुप बनता है ना तो उसमें वेट भी करते होंगे एक दूसरे का, वो आ रहा है वो आ रही है कि नहीं, बीच में किसी मामले में डिस्कशन शुरू हो गया, सारे वो साइड इफेक्ट्स है जो साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 2 लोग बैठकर ग्रुप बनाकर पढ़ रहे हैं, और वो ग्रुप भी मैं तो मानता हूं कि बकवास बातें होती है, उसके अंदर भी टाइम पास होता है। आप सेपरेट कर लो अपने जीवन को, ये पढ़ने का टाइम है और ये दूसरों को नहीं पढ़ने देने वाला टाइम है ना। 6-7 घंटे 8 घंटे खुद पढ़ो, उसके बाद लोगों के पास जाकर कहो कि ये आता है,
ये नहीं आता है, ये होता है, ये वो नहीं होता, ये सब काम हो गया तो यहाँ विजिट कर लो एक बार, लाइब्रेरी में घुसो, पूछो और क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, ये वो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर कुछ कर लो, आपका टाइम पास हो गया और भाग जाओ। तो इंडिया ने जो जो मैं बात कर रहा था कि आप मुझ पर विश्वास रखो, है ना, ये बात अगर मैं मेरी एक्टिविटी से और सॉलिड कर दूं तो कितना अच्छा रहे। इन्होंने इनको 10,000 रुपए दिए और इनसे कहा कि प्लीज एक्नॉलेज्ड, यानी कि जवाब दे दो कि आ गए, और ये कह दे कि जी विश्वास नहीं है क्या, तो इनका ये जवाब होना चाहिए कि नहीं, कि अगर लिख कर दे दोगे कि 10,000 मिल गए हैं तो विश्वास कम थोड़ी ना हो जाएगा, वो बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो बढ़ेगा, ताकि दोनों पक्षों में किसी को कोई डिस्प्यूट उठाने का भी मौका ना मिले। तो इंडिया का पहला जो चेंज देखने में आया और ये आया है वो ये है कि विदेश नीति बड़ी एनर्जेटिक हो गई है, परवाह छोड़ने वाली हो गई है, कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचता है। लेकिन उसका कारण भी है कि इंडिया काफी मजबूत हुआ है। मैंने क्या ना, अपनी सेल्फ कैपेबिलिटी का अवेयरनेस आई है। जो वो जो रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम दुनिया को क्यों प्रभावित होते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर हमारा क्या कर लेगा, हम 100 करोड़ के देश है, हम दुनिया को इफेक्ट कर सकते हैं। और ये बात भी सच है, चीन जैसा देश हमसे युद्ध नहीं कर पाया डोकलाम में, चीन जो फुल फ्लैश वॉर करना चाहता था वो नहीं कर पाया, ये लीडरशिप ने केवल डिसीजन लिया। हकीकत बात है कि इंडिया की पोजीशन चेंज हो गई। अरुण जेटली उस समय विदेश मंत्री वो थे, रक्षा मंत्री, उनका कहना था कि 1962 का इंडिया नहीं है और ना ही 1962 का चाइना है, मतलब पावर बैलेंस इतना बड़ा अंतर नहीं है। चीन को वॉर करने का शौक है तो हम वैसे शौक करने के शौक नहीं रखते, लेकिन कोई इस प्रकार का वॉर इंपोज करेगा तो हम कर लेंगे। इन सब बातों का, ये सारी बातें हवाबाजी नहीं थी, इन बातों का असर था। तो इंडिया ने ये बात कहने से गुरेज नहीं किया कि अगर चीन को वॉर करने का शौक है तो कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये कोई अनैतिकता थोड़ी ना है, वास्तविकता है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड लिखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजिंग ग्रेटर पावर रिलेशनशिप। And expanding regional outreach, managing greater power relationship and expanding regional outreach, शक्ति संबंधों का विस्तार करना, और क्षेत्रीयता का भी विस्तार करना, मतलब ऐसे ऐसे देश जो हमसे अभी तक किसी प्रकार के एक्सटर्नल रिलेशंस नहीं थे उनसे भी रिलेशंस को बढ़ावा देना। थर्ड लिखिए, प्रैग्मेटिक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन, प्रैग्मेटिक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन। यथार्थवादी निर्णय लेना जो जोखिम और लाभ की गणना पर आधारित हो। क्या होती है जी रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन? भाई आपने अगर कोई रिस्क उठाया तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? जो रिस्क उठाया अगर मिलने वाला बेनिफिट उससे भी कम है तो रिस्क क्यों उठाना? इसलिए नहीं कि हमारी नैतिकता बोलती है, हमें यह मिलना चाहिए कि अगर आपने कोई रिस्क उठाया है तो उसका संभावित बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, तब हम कोई काम करेंगे। इसका मतलब अगर हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती क्यों नहीं कर रहे, कोई बता सकता है? अभी फिलहाल अब पाकिस्तान को क्यों कह रहे हैं कि अभी हम दोस्त नहीं है? फायदा क्या है? सिंपल सी बात है ना, रिस्क बेनिफिट, रिस्क बहुत है। पाकिस्तान के साथ जैसे ही दोस्ती शुरू करोगे वैसे ये होगा कि आपने पाकिस्तान को तो बेनिफिट पहुंचा दिया, 100% बेनिफिट पहुंचेगा। सबसे पहले पाकिस्तान के लोग भीख मांगकर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि भैया क्रिकेट टीम भेज दो। पता आपको पहली डिमांड उनकी यह है कि क्रिकेट टीम भेज दो, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में। क्या वो नहीं सुनना चाहते उसकी बात है? कान बंद कर ली तुमने, क्या बता रहे हो भाई ऐसी बात है उसको पाकिस्तान पर? उसने कान बंद कर लिए। कौन पैसा आ गया था कहा? सही है, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, एक दूसरे का दिमाग खराब ऐसे ही डिसाइड करते थे आप, ये इसका दिमाग खराब। ठीक है, एनीवे,
तो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली क्रिकेट की, और इंडिया का वही स्टैंड है कि नहीं जाएंगे, हमारा मैच कोलंबो में कराना, हमारा मैच दुबई में कराना। तो पाकिस्तान कह रहा है भी इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर दुबई में हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के खाली दर्शक मतलब क्या देखने आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैचेस जो होंगे जिसमें पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ खेलेगा उसका उतना चार्म थोड़ी रहेगा और कमाई नहीं होगी। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने को तैयार हो जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले मांग रहा है क्रिकेट टीम भेज दो यहां पर खेलने के लिए, और फिर अगर जिसको कह सकते हैं कि ऐसी सीरीज जिसमें दोनों देश खेल रहे हैं उसमें तो और अच्छा है, बायलेटरल सीरीज। पाकिस्तान को बेनिफिट ही बेनिफिट है, ट्रेड होना शुरू होगा तो जो वो 300 रुपए किलो 400 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं वो सस्ते हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इंडिया से जाने वाली सब्जियां वगैरह जो है जो वहां पर जाती थी रीजनल मतलब पंजाब प्रांत से वो आनी शुरू हो जाएगी। इंडिया को क्या बेनिफिट होना है इस पर भारत सरकार का मानना है कि जी कुछ नहीं होना है, भारत सरकार को क्या बेनिफिट होना है उससे। और जब हाँ क्या डिमांड बढ़ेगी भाई, इंडिया में तो डिमांड वैसे ही इन चीजों की कमी है, उगाओ इंडिया में तो बहुत कमी है, हमारे देश के अंदर सब्जियां रीजनेबल बिक रही है, सब्जियां उगाने वाले फार्मर हमारे देश में गरीब नहीं है, एक रुपए की जी किधर बिकता है, ऐसी कोई भंडारे में बेच रहा होगा ठीक है वहां से उठाए हुए कभी कभार हो सकता है, लेकिन इन जनरल हमारे देश में सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाते। अच्छा मजे की बात है, आप लोग जिस प्रांत में रहते हो सकता है यहाँ सब्जियां बहुत उगती है, मुझे बताया भी गया कि यहाँ पर हरी सब्जियां, अरे रहने दो यार क्यों दुकान खोल रहे हो सब्जी की तुम, ठीक है हाँ। अच्छा रीजन रीजन का भी असर पड़ता है, इस रीजन के अंदर जो है मुझे बताया गया कि यहाँ सब्जियां वगैरह ताजी सब्जियां वगैरह बहुत होती है, और ये मैंने देखा भी महसूस भी किया, जो ये खीरा ककड़ी वगैरह अभी मार्केट में आ रही है ना वो अच्छी है, जबकि अगर आप यही खीरा वगैरह किसी दूसरे एरिया में अगर खरीदोगे तो उसमें से बहुत सी कड़वी निकल जाएगी, बहुत सी ऐसी निकल जाएगी जिसके अंदर जो है आप जो वाटर कंटेंट ढूंढ रहे हो उसके अंदर वो मिलेगा नहीं। यहाँ सब्जियां वगैरह अच्छी है कि नहीं, वो बिना लाइट के उगती ना तो ज्यादा ठीक रहती है। कोल्ड स्टोरेज की यही नहीं, कोल्ड स्टोरेज कैसे लगाएंगे, लाइट ही नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या मेन चीज है यहाँ की मेन पैदावार मतलब फ्रूट्स में क्या है बढ़िया, क्योंकि एप्पल वगैरह तो मैंने देखा है इंपोर्टेड ही है, अच्छे वाले जो एप्पल है ना जिसपे लेबल लगा होता है वो तो इंपोर्टेड ही है बाहर से आए। तरबूज, तरबूज इंजेक्शन वाले तो नहीं है, मतलब ओरिजिनल है। और आम और सब्जियों में अरे हजारीबाग अपने लिए इसके लिए फेमस है ना सब्जियों के लिए, हाँ ये मुझे बताया था और बात भी सही है जी। क्या बोल रहे हैं, बड़का गांव नाम सुना है मैंने, बड़का गांव भी है, चलो अच्छी बात है। आप तीसरा पॉइंट लिखो, चौथा लिख लो, रिस्क बेनिफिट वाला इंग्लिश में बोल, हिंदी में बोल दिया ना मैंने, नहीं बोला था बोलिए आगे लिखिए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज बीन यूज्ड टू एनहांस द वैल्यूज, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज बीन यूज्ड टू एनहांस वैल्यू, अनिश्चितताओं का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने में किया जा रहा है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज बीन यूज्ड टू एनहांस वैल्यू, अपनी क्षमताएं बढ़ाने में किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए, विलिंगनेस टू यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पावर, विलिंगनेस टू यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति का उपयोग करने की इच्छा है वर्तमान सरकार को, मतलब आर्मी का उपयोग नहीं करेंगे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, डिफेंस पॉलिसीज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट, डिफेंस पॉलिसीज बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, रक्षा नीतियां
कूटनीति का महत्वपूर्ण भाग बन गई है। कूटनीति का महत्वपूर्ण भाग बन गई है। नेक्स्ट एट है ना, यह सेवेंथ है। सेवेंथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट नाउ सेंट्रल टू डिप्लोमेसी। व्यापार और निवेश को कूटनीति के केंद्र में जगह दी गई है। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट नाउ इन द सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर ड्राइव इन इंप्लीमेंटेशन। नीति क्रियान्वयन पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। स्ट्रॉन्गर ड्राइव इन इंप्लीमेंटेशन, नीति क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सॉफ्ट पावर। क्या स्ट्रॉन्गर ड्राइव इन इंप्लीमेंटेशन, नीति क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट लिखना स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, ये नाइन्थ है ना। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, मृदु शक्ति का, नहीं हिंदी वाले सॉफ्ट पावर लिखिए, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक उपयोग किया जा रहा है। और लास्ट लिखिए डायस्पोरा कार्ड बीइंग प्लेड मोर इफेक्टिवली। डायस्पोरा कार्ड बीइंग प्लेड मोर इफेक्टिवली। भारतीय डायस्पोरा को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा समझ गए ना, भारतीय मूल के विदेशी जो बाहर रह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। कुछ भारतीय मूल के विदेशी बड़े पावरफुल हो गए, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर सेनेटर बन गए, वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन गए। ऋषि सुनक को आप जानते हो, भारतीय मूल के व्यक्ति है, हालांकि ब्रिटिश नागरिक है, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रूट्स तो इंडिया में है। अमेरिका के अंदर ये बहुत पावरफुल है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़े पावरफुल है, और हम इन कार्ड का यूज करते हैं वहां की गवर्नमेंट को फ्रेंडली गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट करने में। और डायस्पोरा कार्ड, ये जो मोदी जी के जमाने में हाउडी मोदी फंक्शन हुआ था, वो भी डायस्पोरा का पूरा देन था। भारतीय प्रधानमंत्री को न्यूयॉर्क में या अमेरिका के किसी शहर में कैसे यूज करना है, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा कि मोदी जी का यूज करके भारतीय मूल के लोगों से वोट लिए जा सकते हैं, तो मोदी जी पहुंच गए थे वहां पे, कहने अब की बार ट्रंप सरकार, ठीक है ना। हालांकि ट्रंप नहीं बना पाया सेकंड टाइम में, अभी फिर से इलेक्शन हो रहे हैं, और लगता है डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे। अमेरिका के इलेक्शन प्रपोज है 2024 में, ये जो 2024 का है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिसका एक किट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोर नॉट मोर देन टू टर्म्स। बहुत से राष्ट्रपति ऐसे हुए जो लगातार दो टर्म लेके जा चुके, और बहुत से ऐसे हुए जो दो टर्म लगातार नहीं लिए, लेकिन गैप के बाद में उनको दूसरा टर्म मिला। दो टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए किसी भी देश में? कितने लोग मानते हैं कि इंडिया में भी ये सिस्टम होना चाहिए कि दो टर्म के बाद आप फिर से प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सको? हाथ खड़े करो, क्यों होना चाहिए ऐसा? नया इनोवेशन करने में। हाँ अनुश्रुति, आपका क्या व्यू है? यही डायनेमिक लाने के लिए बदलाव जरूरी है। और कौन थे नितेश आप? सेम व्यूज है। और कौन था फेवर में? हाँ तो इसका संसार का नियम है, तो संसार कर देगा, उसमें तुम क्यों ला रहे हो? मेरा मतलब संविधान में क्यों डाल रहे हो, संसार कर देगा अपने आप। तानाशाह हो जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ नेगेटिव भी हो सकता है,
तो ये तो तब ज्यादा अच्छे से हो पाएगा ना जब आप करंट आदमी को हराओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट छोड़ दो, उसको आप रिजेक्ट करो कि नहीं हम आपको आगे नहीं चुनते, ये तब ज्यादा बेटर हो पाएगा। जिन परिवर्तनों की आप बात कर रहे हो उन परिवर्तनों में ज्यादा इफेक्टिवनेस तब आती है जब आप करंट को रिजेक्ट करके नए आदमी को लाते हो। एक तरीका तो यह है कि जी करंट के प्राइम मिनिस्टर खुद कह दे कि मैं आगे रूल नहीं करूंगा, यानी कि संविधान उनको रोक दे कि आप 10 साल का टेन्योर ले चुके हो, अब आप रुक जाओ। तो जानते हो एक नेगेटिव बात क्या हो जाएगी, कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा और उससे अगर मान लो गलतियां हुई, गलतियां है संसार का नियम, ठीक है, तो गलतियां जब होती है दूसरी पार्टी नहीं, यहां पार्टी को तो आप कह ही नहीं सकते ना। कहने का मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट ना दो ऐसा थोड़ी होगा। आप तो ये मांग कर रहे हो कि अगर बीजेपी को भी लोगों ने चुन लिया तो लीडर कोई और बने, यही तो मांग कर रहे हो। वरना आप ये थोड़ी किसी को रोक सकते हो कि आपने 10 साल तक बीजेपी को वोट दे दिया कांग्रेस को दो, है ना, ये तो कहना मूर्खाना बात हो जाएगी, जिसको जिसको देना होगा वो देगा। तो मान लो किसी ने बीजेपी को वोट दे दिया और अब आपका संविधान ये बोलता है कि जी मोदी जी ने 10 साल तक रूल कर लिया, बीजेपी अपना दूसरा लीडर चुने। अब इसमें ये था कि मोदी जी को संविधान ने हटाया कि भाई अब आप नया टेन्योर नहीं ले सकते। जैसे ही नया रूलर रूल करने लगेगा उससे जब गलतियां होगी तो लोग पुराने प्रधानमंत्री से उसका करेंगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन करते हुए कहेंगे जीता जागता व्यक्ति जो बहुत अच्छे से काम कर सकता था, केवल एक संवैधानिक प्रावधान के कारण जनता क्यों नए आदमी को भुगते। संवैधानिक प्रावधान है, बदलो ऐसे संविधान को, 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, एक और करो जिसमें यह लिखो कि व्यक्ति जो है वो जनता जब तक चुनती रहे तब तक वो प्रधानमंत्री बनता रहे। ये बात हो सकती कि नहीं हो सकती। और दूसरा ऑप्शन समझो, एक है कि अच्छे व्यक्ति को आपने रोक दिया कि नया टेन्योर नहीं लेने देंगे क्योंकि संवैधानिक रोकता है, और एक तरीका यह है कि अगर आप किसी से फेड अप हो और उसको इलेक्शन में हरा दो तो आप यह कह सकते हो कि संविधान आपको नहीं रोकता था। संविधान ना उम्र की बाध्यता रखता है, संविधान ना जेंडर की बाध्यता रखता है, संविधान एक ही बाध्यता रखता है कि आप इलेक्शन जीतो। इफ यू आर एक्सेप्टेंस, अगर आपकी एक्सेप्टेंस है, इफ योर एक्सेप्टेंस इज देयर देन यू विल बी देयर, अगर आपकी स्वीकार्यता है तो आप हो, स्वीकार्यता नहीं है तो आप नहीं हो। अमरीकी सिस्टम के अंदर नई जनरेशन तो आ जाती है, लेकिन मुद्दा क्या होता है कि हम लोग, अमेरिका ने भी कई बार इस बात को महसूस किया कि बराक ओबामा को एक टेन्योर और मिलना चाहिए था ताकि वो ब्लैक जनरेशन जो है, ब्लैक पॉपुलेशन जो है, उसको बहुत अच्छे से वेलफेयर कर सके, लेकिन 8 साल बाद वो चले गए, फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर 8 साल रहने के बाद चला जाए और अमेरिकी जनता उसको मिस करे तो ये कितनी जोरदार बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप किसी को मिस कर रहे हो, वो आपके सामने है, आप उसको चुन नहीं सकते। वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, आप बनाना चाहते हो, रोक रहा है संविधान, है ना, स्थिर लेने का ऐसा संविधान, बदलो उसको। कहने का मतलब या तो वो बनना नहीं चाह रहा हो, उसकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही हो, या उसका दिमाग अलाउ नहीं कर रहा हो, या कोई भी ऐसी बात हो, या आप चुनना नहीं चाह रहे हो। डेमोक्रेसी में इसके अलावा और कोई तरीका होना चाहिए क्या जिसमें लोगों को व्यक्ति ना मिल पाए जिसको वो चाहे। आप अगर चाह रहे हो कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर एक्स व्यक्ति बने और वो भी चाह रहा है कि मुझे बना दो, तो फिर क्या लोगों को नहीं चाहिए बताइए। इस देश के लोग अगर ये डिमांड करने लग जाए कि कोई भी व्यक्ति ये बनना चाहिए प्रधानमंत्री, इलेक्ट्रोल प्रोसेस में आ जाओ, हम उसके नाम पर वोट देंगे, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को वोट दे देंगे जिसको हम नहीं देते, अगर उसको जिताने का मतलब प्राइम मिनिस्टर किसी एक्स को बनाना नहीं होता। आपने सुना होगा कि बीजेपी के अंदर लोग आरोप लगा रहे हैं केवल 2 लोग सरकार चला रहे, इसलिए चला रहे भैया कि उन 2 के नाम पर ही वोट मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली एक के नाम पर, समझ गए। कई सांसद ये डिमांड करते हैं कि जी हमको वो बात करते हैं जी हमको बड़ा बड़ा अपमानजनक तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो अपमानजनक इस तरह से फील हो गया कि उनकी बात को वैल्यू नहीं दी गई। और वैल्यू क्यों नहीं दी गई, बिकॉज वो व्यक्ति जानता है कि इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर इनको वैल्यू दे दी तो ये चुनाव हारेगा, और ये चुनाव हारेगा तो लोकसभा में हमारी स्ट्रेंथ इतनी रहेगी कि हम चुनाव जीत सके। आपने कभी नोटिस किया कि बीजेपी अपने विधानसभा में कैंडिडेट बदल देती है, लोकसभा के अंदर क्या उन्होंने सारे कैंडिडेट रिपीट कर दिए क्या, ना, बहुत टिकट काट दिए लोगों के,
क्योंकि वो जानता है कि जनता जो है वो जो सांसद के रूप में जिसको वोट दे रही है ना, उसके आधे वोट प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर है। अगर किसी सांसद को यहां 4 लाख वोट मिले, 2 लाख तो उसके अपने हैं और 2 लाख प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैं।